ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। आज की ये सुबह की क्लास आप सभी लोगों के लिए, रोज टाइम पर जैसे हम आते हैं, आप सभी एकदम सुबह सुबह नहा दो। अच्छा, सही से बताओ, कितने लोग यहाँ पर नहा के आते हैं सुबह सुबह क्लास में, सही से बताओ, देखना है मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। के ठंड है तो क्या नहा के आते हो, नहीं नहा के आते हो? थोड़ा लाइटर नोट पे स्टार्ट करें क्लास को, बहुत ज़्यादा मैं सीरियस लेके चला जाता हूँ, तो थोड़ा सा लाइट लाइट रखेंगे, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। बात यह है कि कल हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स किए थे, कल हमने थोड़ा मजा मस्ती भी किया था क्लास में, और थोड़ा लाइट ही रखेंगे क्लास को। जिस दिन हैवी करना होगा मैं बता दूंगा, भाई आज थोड़ा सीरियस होके आना, ठीक है? भगवान भगवान की आरती वरती करके आना सुबह सुबह, मैं बता दूंगा जिस दिन। अभी फिलहाल लाइट चल रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, और हम ऐसे ही पढ़ते चलेंगे, ठीक है? कहाँ हैं बाकी बच्चे कल से? कौन है? 2 जन मुझे दिख रहे हैं, 3 जन दिख रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? कल हमने क्या किया था, याद है किसी को? लिख दो चैट बॉक्स में, सर कल क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर याद है, कौन सी एक्सरसाइज की थी हमने कल? हमारे सारे स्टूडेंट्स कहाँ हैं? ओके, तो एक क्विक इंस्ट्रक्शंस, जो स्टूडेंट ब्लूप्रिंट वाले कोर्स से आ रहे हैं, ठीक है, और अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग बीच में इंटरप्ट करके यू कैन आस्क द डाउट, ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, सो दैट यू कैन रन अवे एंड कीप स्टडिंग, ठीक है, जो आप लोग की पढ़ाई चल रही है, बिकॉज आप लोग को एंड तक मैं बिठाने नहीं वाला हूँ, ठीक है, जिनकी डाउट्स हैं। और बाकी जिनको अगर इस करंट चैप्टर में अगर डाउट है, मतलब वो लोग ब्लूप्रिंट में भी यही सेम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग चैप्टर देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताना, आना आना, चलो एक्सरसाइज 4 चैप्टर 3। अरे वाह यार, मतलब ध्यान था कल आप लोगों का, चलो वेरी नाइस। सो टुडे वी विल बी मूविंग 1 स्टेप अहेड, छोटा छोटा स्टेप्स ले रहे हैं। एक स्टेप जो अहेड है वो क्या है, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। यस, ये आ गई आप लोगों के सामने स्क्रीन, ठीक है, ये पूरा खिचड़ी पिकड़ी हुआ है जो हमने कल सिखाया हुआ था। हमारे एक और स्टूडेंट आए हैं क्या, जिनको कल होमवर्क दिया गया था, कहा था कि चलो आपके लिए छूट है, सिर्फ आप 50% करना। पता नहीं, शायद से सुबह आज उनका हुआ ही नहीं है तो आए ही नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों ने कितना परसेंट किया बताइए, कल जो होमवर्क था एक्सरसाइज वो कितना हुआ है, ठीक है? 3 स्पीड में डिक्टेशन लेना है, 45, 60, 75, ले पाए आप लोग, कर पाए या नहीं कर पाए, एक बार बताइए मुझे फटाफट से, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि भाई स्टूडेंट्स का क्या चल रहा है और मैं जो सिखा रहा हूँ वो कितना उसमें गैप है, मतलब ऐसा ना हो बहुत एडवांस लेके चला जाऊं मैं और आप लोग से हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम ऑन क्विकली टेल मी, कितना परसेंट किया है आप लोगों ने प्रैक्टिस कल, जो होमवर्क दिया था, जो असाइनमेंट दिया था? कुछ नहीं था, एक्सरसाइज 4 थी, प्लस ये कुछ शब्द थे, ठीक है, इनकी भी प्रैक्टिस करनी थी। नॉर्मल थी बस, हो रहा है, 7.5 नहीं आता, अच्छा, ओ कोई बात नहीं, 7.5 नहीं आता तो कोई बात नहीं, 45 ले लो और 60 वर्ड पर मिनट ले लो, ठीक है, इससे भी काम हो जाएगा, तो इसी को 2 बार ले लेना, 60 वाले को 2 टाइम्स ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है तो ठीक है। अब हम करेंगे, ये हमने खत्म कर दिया था, देन इसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। अब आगे कहाँ बढ़ना है, हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 5 की तरफ, पंजी और एक्सरसाइज 6, ये दोनों हमको आज करने का, ओके? अच्छा, साउथ में आप लोग जाओगे तो उधर ऐसा बात करते सब लोग, ठीक है, साउथ इंडियन वाला एक्सेंट आता है उधर थोड़ा सा। तो ये है एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6, ठीक है, चलिए करें, शुभारंभ करते हैं आज इन एक्सरसाइजेस का। अब इसमें हर चीज नहीं बताएंगे, देखिए इसके पहले वही वाली चीजें हैं, दो हमने टोटल 4 वॉवल्स सीख लिए हैं, यही 4 वॉवल्स के बेस पर
आपको एक और चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर बताया है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स्ट्रा सिर्फ आपको नए नए कंसोनेंट्स मिले हैं, ठीक है, सिर्फ ये नए कंसोनेंट मिले हैं आपको, इसके अलावा और कुछ भी अलग नहीं आया, ठीक है। मैंने बताया था कैसे कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट फॉर्म्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स की दबा के करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। आप लोग को मैं बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि आप लोग क्यों हो यहाँ पे, क्यों आए हो आप लोग यहाँ पर, क्या पर्पज़ है आपका इस कोर्स को परचेज करने का या फिर स्टेनो स्कूल पे कुछ भी पढ़ने का। हर चीज का एम एक ही है, आपको स्टेनोग्राफर बनाना और आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाना, ठीक है। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ, जैसे ये क्या लिखा है बताइए, एक सेकेंड, वॉट इज दिस, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने बताइए। ये वाला जो शब्द है ये क्या है, ये है फर्स्ट शब्द, ठीक है, देन इसके बाद में ये सेकंड शब्द क्या है, सेकंड शब्द, यस फर्स्ट शब्द एकदम सही गेस कर लिया, लेक लिखा है, सेकंड शब्द क्या है, थर्ड शब्द मैं बना रहा हूं यहां पे, ठीक है, थर्ड क्या है बताइए, जो बता रहा है मैं समझते जा रहा हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं सही से, ठीक है। बाकी जो नहीं बता रहा है आपको ध्यान देना है कि अगली बार क्लास में शब्द लिखते ही तुरंत आपके मन में कुछ चलना चाहिए कि हाँ इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। ये हो गया, देन इसके बाद में फोर्थ वाला शब्द, फोर्थ शब्द है एक सेकेंड बताइए, फोर्थ वाला शब्द क्या है, ये चार शब्द, हाँ जिसको जो आ रहा है, सुषमा ने सेकंड वाला बता दिया है, केक, अंशिका ने फर्स्ट वाला बता दिया है, लेक, बाकी लोग भी फटाफट से शुरू हो जाओ, ठीक है। फिफ्थ वाला मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बताइए फिफ्थ वाला क्या है, ये फिफ्थ वाला जिसने बता दिया, मान जाओ कि भाई आपने पढ़ाई पक्का की है, दिस इज दी, यू कैन से बेस्ट वाला, ये वर्ड बेस्ट है एकदम बेस्ट, जो भी है ये जिसने बता दिया, देखते कौन बताता है, फिफ्थ वाला पर कौन आ पाता है। थर्ड सुषमा ने बताया कोल, यस परफेक्ट, क है सर, ओ का साउंड है और ल है, ठीक है, क्या बना, कोल, ये क बना, ये ल बना, ल ऐसे ऊपर साइड, अभी तक हमने सीखा है ल ऐसे बनता है, तो उसी को कोल बना दिया, ठीक है। फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला फटाफट से बताइए, बताइए बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं आप लोग, ना नहीं समय लेना चाहिए थोड़ा, अभी कल ही तो पढ़ा था, कल ही जो पढ़ा है उसी को तो आज पूछा जा रहा है। आ, 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 कौन सा वाला गेस किया आपने, पहले तो वेब तो कहीं नहीं है ये, एक सेकेंड, चलो ये मैं पहले फर्स्ट बता था, फर्स्ट वाला जो ये है, ये है हु, ठीक है, हु लिखा है मैंने, ठीक है, ताकि आप लोग इस पे, ये देखो ये डब्ल्यू होता है, ठीक है, और ये हु है, ठीक है, देख लो ऐसा हल्का सा स्लैंट है, ये हु लिखा है, एक्चुअली हु ऐसे लिखा जाता है, हु, एक सेकेंड, हु कैसे लिखा जाता है मैं एक बार कंफर्म कर लूँ आप लोग को, कि आप लोगों ने अभी तक वो क्रॉस वाला उसका फॉर्म पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेट मी जस्ट चेक, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यस यस यही है यही है, ये है हु, ठीक है, ऐसे हु लिखा जाता है। तो फर्स्ट वर्ड मैंने बता दिया आप लोग को, फर्स्ट, ओ माई गॉड, माई गॉड, सभी बच्चों ने गेस कर लिया, वाओ। मैं यहाँ पे हिंट पे हिंट देने का सोच रहा हूँ कि अब ये हिंट दूंगा अब ये हिंट दूंगा, यहाँ इन्होंने पूरा का पूरा शब्द ही गेस कर लिया, हु विल बी, वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। जबकि जबकि ये वाला शब्द आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, अभी तक आपको सिर्फ हु और विल ही दिया है, इट विल बी दिया है, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर विल और बी ऐसे लिखते हैं
तो सर यही तो सेम चीज आपने यहाँ कैरी फॉरवर्ड की है। चलो आप लोग शब्द बनाना भी सीख गए, बहुत बहुत बढ़िया, लाजवाब। फोर्थ वाला, यस फोर्थ वाला सुषमा ने बता दिया था, डिले। ठीक है, दो ही बच्चे सीख रहे हैं ऐसा लग रहा है शॉर्ट हैंड, बाकी बच्चे पता नहीं क्या सीख रहे हैं, लेकिन जो भी सीख रहे हो मुझे भी बता देना कि सर शॉर्ट हैंड तो नहीं हमने कुछ और सीख लिया, तो वो प्लीज मुझे बता देना कि हाँ आप लोग ये भी सीख रहे हो, ताकि बाकी लोग भी आंसर करना स्टार्ट कर दे लाइव क्लास में। ओके, जितना ज्यादा आप आंसर करोगे उतना ज्यादा आपको ही हर चीजें आने वाली, मुझे नहीं आने वाली, मैंने मुझे तो ऑलरेडी आता है। ठीक है, आइए अब फिफ्थ वाले एक्सरसाइज में हम दो ही सेंटेंस देखेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग नवनीत को अब याद आया, सर को गुड मॉर्निंग कर लो, सर मैं भी हूँ यहाँ पर, मुझको भूल मत जाना सर, मैं हूँ, पता है मुझे नवनीत हो यहाँ पे। चलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कुछ डाउट है तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके डाउट क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है, अगर नहीं है तो यू कैन वेट। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा था इसमें, कौन सा, मैं कौन सा बात बताऊं, चलो फिफ्थ में कौन सा वाला कवर करवाऊं बताइए। आई थिंक नवनीत आपके बाकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आप देख लो यहाँ पे लाइट कैसे बना रहा हूँ, डार्क कैसे बना रहा हूँ, और कैसे कैसे क्या क्या चीजें बना रहा हूँ। चैप्टर 3 है आई थिंक, आप चैप्टर 4 पर हो, राइट, चैप्टर 4 या 5 पर हो आप, तो जो भी मिशन पर हो आप बता दो पहले आते ही क्लास में कि सर मैं मिशन इस पे हूँ या मिशन इस पर हूँ, जो भी है आपका M4 M3 M5 जो भी है बताइए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो मैं कौन सा लेना चाहता हूँ फिफ्थ में, मैं बता दूँ मुझे मेरा क्या मन कर रहा है। एक्सरसाइज 5 में मेरा मन कर रहा है मेरा 7th वाला मन कर रहा है, मैं 7th वाला पढ़ाऊंगा। अब आप लोग एक बताना कौन सा पढ़ाना है। ठीक है, चलिए मैं 7th वाले से स्टार्ट करता हूँ, M5 खत्म हो गया है, डिक्टेशन लेके सबमिट कर दूंगा। ओके चलो, M5 हो गया तो आई थिंक हम लोग भी 4-5 दिन में M5 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप शायद और आगे चले जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आओ। क्या बोल रहे थे हम, एक्सरसाइज 5 में 7th 1, यस कहाँ गया 7th 1। देखो सबसे पहला वर्ड क्या है, डबल डैश दिया है नीचे, मतलब सर ये नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है ये, छोटा सा टिक आ गया और ये डॉट आ गया, तो ये ज है और ये ओ है, क्या हो गया, जो, ले, ए और ड, फिर ये टिक आ गया तो मतलब ये द हो गया। ठीक है, लेट द टू द, ये तो समझ गया हो ना, टू द से ये टू है, इसी में टिक मार्क मार के द टू द लिखते हैं इसको। ठीक है, ये देखो ये शब्द तो हमने आज ही किया है, आज का अभी अभी किया है, फिर कॉमा, ठीक है शॉर्ट हैंड में कॉमा कॉमा की ही तरह लिखते हैं, ये हो गया बट, इसी में जोड़ दिया थ और ए का साउंड, तो थ और ए क्या बन जाता है, दे। ठीक है, यस लेक, एकदम सही। स बन गया और ये ए का साउंड आ गया, स और ए क्या बन जाता है, से। अब इसमें कोई भी वॉवेल्स नहीं है, कहीं भी वॉवेल नहीं है, मतलब ये क्या है, ये है सर शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म को जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, अब जहां भी सिर्फ टी दिख जाए, टी मतलब इट, ठीक है आंख बंद करके उसको इट लगा दो, टी का मतलब होता है इट। ठीक है, आप देखो ये क्या है, ये वाला भी सर शॉर्ट फॉर्म जैसा लग रहा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म मैं पहले बता दूं, ये टू है। ठीक है, आपने देखो ये टू पढ़ा था, टू द, ठीक है ये तो टू द है, इसी को मैं डार्क कर दूंगा ना तो ये TOO वाला टू बन जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे लिखिए, टू टू और ये ल है और ओ है, तो क्या हो गया, टू लो। ठीक है, टू लो, टू लो, टू दे, ब है पर ए लिखा है। ठीक है, ब ए और थ, बे थ, BATHE, बेथ, क्योंकि अगर बात होता तो वो हमने पहले बताया कि बात में थोड़ा सा अलग आता, वो बेथ लिखा है तो वो बेथ BATHE है। ठीक है, तो क्या बन गया, जो लेड द वे टू द लेक कॉमा बट दे से, बट दे से इट वॉज टू लो
टू बेथ, ठीक है, जो ने रास्ते में लीड तो किया लेक के लिए, लेकिन जब गए तो पता चला कि पानी बहुत ज्यादा ही कम है, अब उसमें नहाएंगे कैसे, ठीक है। ये था शब्द। अब इसके बाद में आप लोग बताइए कि कौन सा शब्द मुझे लेना है, ठीक है। आइए तब तक हम एक डाउट ले लेते हैं। क्या डाउट है सर? एक डाउट आई थी कि कई बार किसी शॉर्ट फॉर्म से कोई वर्ड कनेक्ट करने के बाद उस वर्ड की प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल टू लीव, ठीक है, तो एक्सरसाइज 11 का सेकंड, उसकी प्लेस चेंज हो जाती है। नहीं, शॉर्ट फॉर्म से अगर प्लेस स्टार्ट हो रहा है तो उसकी प्लेस वही आएगी। शॉर्ट फॉर्म्स की बात अगर कर रहे हो आप, तो चलिए एक्सरसाइज 11 का आपका ले लेते हैं एक बार। आप क्या बता रहे हो? ऐसे आप एग्जाम्पल एग्जैक्ट लेकर आओगे ना तो मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज 11 का सेकंड, हाँ देखिए टू लीव की आप बात कर रहे हो ना, देखो टू लीव। अब बाकी लोग भी देखो, ठीक है, बाकी लोग भी, आप लोग भी समझ जाओगे। कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का डाउट है, कुछ समझ में नहीं आएगा। देख लो तू, देखो अब भी यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, सब लोग देख लो। अब आप भी नवनीत देखो, यहीं पर आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये क्या लिखा है मैंने, देख लो, ये लिखा है टू लो, ठीक है। अब देखो टू ऐसे बनता है और टू ऐसे बनाया जाता है, तो यही टू का तो प्लेस यही है ऑन द लाइन, ये जो लाइन है लाइन पर ही इसको बनाया जाता है, तो उसी को लाइन पर अगर बनाया जाता है तो लो बनाने के लिए यहाँ पे ओ का ए डाल दिया। अब कुछ भी अगर होगा तो वो ऐसे ही आएगा। आपने टू लीव बोला तो टू भी ऐसे ही बनता है। और लीव कैसे बनता है, देखो लीव ऐसे बनता है, ठीक है, लीव, ये फॉर श्योर है कि लीव में थर्ड प्लेस आता है तो ये थ्रू द लाइन बन जाता है। लेकिन टू अगर यहां पे बना रहे हैं तो आप टू को ऐसे नहीं बना सकते कि टू यहां बना दो और ये लीव बना दो, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टू लिखा है, क्योंकि आप शॉर्ट फॉर्म को पहचानोगे कैसे। शॉर्ट फॉर्म को आप पहचानते हो उसके प्लेस से, कि जैसे टू यहाँ पे लिखा है तो चाहे कुछ भी हो। अब जैसे सब लोग बताओ कि मैंने ये क्या लिखा है, ठीक है, आप लोग बता सकते हो, सभी लोग, न्यू बच्चे ओल्ड बच्चे सब लोग बताओ ये मैंने क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, ये क्या लिख रहा हूं मैं, बताओ व्हाट इज दिस, ये वर्ड क्या है, देख लो लाइन पर बना रहा हूं, छोटा सा ये है, क्या वर्ड है ये, कोई गेस कर सकता है, व्हाट इज दिस वर्ड? यस परफेक्ट, ये मैंने बट बना दिया, ठीक है। अब बट में अगर मुझे दे जोड़ना है, वेरी गुड वेरी गुड, सबने जोड़ सबने समझ लिया, दे कैसे बनाते हैं, दे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन बट में दे जोड़ना है तो ये बट और ये दे, ठीक है। ये देखो यही सामने आपके एग्जाम्पल है, मैं कुछ खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये देख लो ये आपके सामने एग्जाम्पल है, पिटमैन के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अर्थ ये हो गया कि जब भी शॉर्ट फॉर्म से हम लेटर स्टार्ट करें, कोई भी वर्ड हम स्टार्ट करें शॉर्ट फॉर्म से, देखो टू लीव हो गया, या फिर कुछ और कोई भी वर्ड ले लो, जैसे चलो मैं थोड़े से ग्राम लॉग आपको ले लेता हूँ समझाने के लिए। और क्या हो गया, चलो जैसे मैं बोलूंगा इट वॉज माई फॉल्ट, ठीक है, अरे एक मिनट, FAULT, आई होप नवनीत आपका जो मेन डाउट था वो क्लियर हो गया, ठीक है। अभी ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जैसे इट है, अब ये वॉज ऐसे लिखा रहता है और इसी में अगर मैंने माई जोड़ दिया तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, म के साथ में आई, एक्चुअली माई ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, अभी तो आपने आई पढ़ा नहीं है लेकिन वो आप समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे इसको लिखा जाता है। तो बोलने का मतलब वही था कि जहां से शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट होता है शॉर्ट फॉर्म वही आएगा, उसके हिसाब से बाकी के लेटर्स एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट प्लेस शॉर्ट फॉर्म का है वो वही रहने वाला है। आई एम में अगर आपको बता दूं, आई एम, ये आई ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और एम का एम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आई एम, ओके, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो वो ऐसे बन जाएगा आई एम, ठीक है। तो इसी तरह से क्योंकि आई ऐसे लिखा जाता है, अब इसको अगर मैं जोड़ू तो आई और देखो एम ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर जो ये है इसी को उन्होंने सर्कल करके ऐसा बना दिया है। वही एग्जाम्पल्स है मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझ जाओ तो इतना बस याद रखो कि जहां से शॉर्ट फॉर्म स्टार्ट होगा वहीं से बाकी वर्ड्स भी आने वाले हैं, ओके। चलिए एक एडवांस डाउट में आपके सभी के बेसिक डाउट्स भी क्लियर हो गए, लेट अस मूव अहेड। फिफ्थ एक्सरसाइज में मैं अभी आप लोग ने, मैंने बोला था दो मैं बताऊंगा, दो में आपने कोई किसी ने कोई नहीं बताया, सेवन्थ वाला मैंने पिकअप कर लिया। चलिए मैं 2 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ, 2 सेकेंड्स में फटाफट से बताइए कि कौन सा इसमें से लेना है मुझको, तो मैं वो करवाऊंगा एंड हम एक्सरसाइज 6 पर बढ़ जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल है सब कुछ, बड़ा सिंपल है। बताओ कौन सा लग रहा है पढ़ाने जैसा,
वॉवल स्किप कौन से मिशन से होते हैं? वॉवल स्किप होते हैं आपके, अभी से ही हो गया स्टार्ट। देखो अभी से ही स्टार्ट हो चुका। आप एक्सरसाइज को अगर ध्यान से देखोगे ना तो हल्का हल्का इन लोग ने आपको अभी से हिंट देना स्टार्ट कर दिया है। कहीं कहीं आप बिना वॉवल्स के आप पढ़ना स्टार्ट भी कर दोगे। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं, लेकिन आई थिंक मिशन 8 से, शायद से 8 या 9 से स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। मतलब अलग से ऐसा मिशन बना के इन लोग ने इसमें दिया है नहीं दिया, देखना पड़ेगा मुझे। वो एक्सरसाइज में आपको दिखने लगेगा, ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइजेस में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए, बाकी लोग अब नहीं बताओगे तो मैं ही एक सेंटेंस ले लूंगा अपने आप से। ठीक है हाँ, कोई दिक्कत नहीं नवनीत, स्किप कर दो। अगर समझ में आ रहा है तो स्किप कर दो, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ठीक है तो यू कैन स्किप। अब देखो जैसे ये लिखा है ठीक है, टेक टेक द, ठीक है। अब मैं इसको टेक द मैं नहीं भी लिखूंगा, फिर भी मुझे पता है कि ये टेक ही है क्योंकि सेकंड प्लेस पे है। अब ये दे है और ये विल है, अगर मैं यहाँ पे दे का ए नहीं डालूंगा फिर भी मुझे पता है कि देम विल तो नहीं होने वाला। देम विल दिस इज नो सेंटेंस ठीक है। ऑल्दो देम आपको पता है कि ये देम ऐसे लिखते हैं और दे ऐसे लिखते हैं ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ वॉवल नहीं डाला फिर भी आपको पता है कि ये दे विल ही है ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हो, आप लोग समझ सकते हो, आप लोग स्किप करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है चलिए आ गया है एक सेंटेंस, चलो सेकंड वाला फटाफट से हम करवा देते हैं। कौन सा है सेकंड वाला, कहाँ गया? हाँ वी है, क्या है ये? हैव ठीक है, ठीक है देखिए कितना स्पीड में मैंने फटाफट से लिख दिया। वो तो मैं देख देख के लिख रहा हूँ, जैसे किसी ने कुछ बोल दिया ठीक है तो बोल के थोड़ा सा स्पीड और बढ़ जाती है क्योंकि आपको बस सुनना है। अभी यहाँ देख देख के लिखना था तो टाइम बढ़ गया, तो आप लोग समझ जाओगे कि कैसे कैसे आगे करना है। ठीक है ये तो पहला वाला सब समझ गए सर, ये वी लिखा है ठीक है, और ये व है, व का क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, दो शॉर्ट फॉर्म को जोड़ दिया तो बन गया वी और हैव ठीक है। ये भी सिंगल है, सिंगल जी लिखा है ठीक है, सिंगल जी। तो फ्लैशबैक में जाओगे पता चलेगा आपको, एक तो गिव था प्लस एक इसका क्या था? गिवन ठीक है, तो वी हैव गिव। अब बताओ वी हैव गिव लिखा मैंने ठीक है, वी हैव गिव, और ये भी क्या है? ये है हिम ठीक है, वी हैव गिव और ये हिम लिखा है, ये भी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, ये भी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। हिम द नीचे आ जाते हैं, फिर च लिखा है, च प्लस ए का साउंड है ठीक है, च ए और लाइट ही है ठीक है, डार्क नहीं है लाइट है ठीक है, चे हो गया और ये क लिखा है, तो वी हैव गिव हिम द चेक। नहीं नहीं सर, चेक क्या होता है? चेक होता है, हम चेक देते हैं ना चेक, तो चेक की स्पेलिंग क्या है? CHEQUEE। वी हैव गिवन हिम द चेक टू, उसके बाद में ये क्या लिखा है? म है, फिर ए का साउंड है और फिर ल लिखा है, तो म प्लस ए प्लस ल बन गया मेल, मेल टू टू देम, क्योंकि सिर्फ सिंगल है टू दे नहीं आएगा। वी हैव गिवन देम मेल टू दे, डजेंट मेक एनी सेंस, टू देम इज करेक्ट यूज ठीक है। एंड फिर उसके अंदर अगेन टू आ गया प्लस डे आ गया तो बन गया टू डे, ओके फुल स्टॉप है ना, मैंने सही लिखा है ना? बताओ सब लोग, सब लोग बताइए ये सेंटेंस एकदम परफेक्टली करेक्ट है ना? देखते हैं कहाँ है बच्चे, जाग रहे हो, सो रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ? वी हैव गिव हिम द चेक टू मेल टू देम टूडे है ना? मैं वेट कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स का थोड़ा बहुत रिप्लाई तो आए। आ, 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 एक स्टूडेंट ने कहा करेक्ट लिखा है, एक ने समझ गई सुषमा स्मार्ट, सर गिव नहीं होगा ये तो सेंस ही नहीं बना रहे। वी हैव गिव हिम द चेक क्या होता है? वी हैव गिवन हिम होता है, यस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, इसीलिए ऐसे ही आपको समझना है शॉर्ट फॉर्म। ये जानबूझ के मैंने गलती यहाँ पर की, क्योंकि देखियो इससे जी से गिव भी होता है और गिवन भी होता है, तो एक ही आउटलाइन से आप दो चीज कैसे मतलब निकालोगे, ऐसे मतलब निकालोगे सेंटेंस पढ़ने के बाद। वी हैव गिवन हिम ठीक है, तो अगर यहाँ पे होता आई गिव हिम समथिंग तो आई गिवन हिम नहीं होता, लेकिन अगर आई हैव होता तो आई हैव गिवन हिम हो जाता ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है, ओके वेरी गुड सुषमा, वेरी गुड, आपने समझ लिया इस चीज को। चलिए अब कुछ और सर, ओके सर, कुछ आउटलाइंस काफी बड़ी होती हैं उनको बनाओ, फिर वॉवेल डालता था
तब तक दो वर्ड आगे निकल जाते डिक्टेशन, ओके, इसीलिए स्पीड मैच नहीं कर पा रहा था डिक्टेशन। एग्जाम्पल बंगलो एनवलप, ठीक है, आपने बंगलो बताया है, चलो हम बंगलो लिख के दिखा दे, ये बन गया ब अंग ग और लो, ठीक है। तो जो ऐसी आउटलाइंस है तो आपको ये हमें ब भी आएगा, तो आपको इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कोशिश करना फास्ट लिखने, जैसे बंग लो, ठीक है, बंग लो, बंग, जैसे आपको पता है कि ये बड़ी आउटलाइन है, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आपको वो आउटलाइन पहले ही देखो, जैसे आप नॉर्मल आउटलाइन ऐसे धीरे 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 बना रहे हो, लेकिन अगर आपको पता है कि बंग लो ऐसा वर्ड बोला गया है, इसको टाइम लगे, बंग लो, तो आपको थोड़ा सा स्पीड अपनी वहां पे इंक्रीज कर देनी है। एनवलप आप बोल रहे हो, एन व ल प, ठीक है, एन व लप, एन व लप, अगर मैं एन व ल प ऐसे बनाते जाऊंगा तब तो डेफिनेटली टाइम जाएगा। अब देखो सर, आपने यहां पर तो ये सर डार्क हो गया है, अब क्या करे, डार्क हो गया है, लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा है कि डार्क ल होता ही नहीं है, ल है, अभी तक तो आपने ल ऐसे ही पढ़ा कि ल लाइट होता है। तो अगर गलती से कभी कोई आउटलाइन फास्ट बनाने के चक्कर में गलत भी बना दिया, फिर भी आप उसको पढ़ते वक्त तो समझ जाओगे, सर इतना तो पता है कि ये एन है, ठीक है, एन का आवाज है, देन ये व है, डार्क है तो डार्क है, तो ये क्या दिख रहा है, ये तो ल जैसे दिख रहा है, ये प दिख रहा है, एन व लप ही बनेगा ये। तो आपको पहले तो जब प्रैक्टिस कर रहे हो ऐसे वर्ड्स की, तो कोशिश करो फास्ट लिखने की, जब प्रैक्टिस ही कर रहे हो, मतलब आपने जैसे 5 लाइन 4 लाइन जो प्रैक्टिस की उसमें ही कोशिश करो कि ये बड़ी वाले आउटलाइन थोड़ी सी फास्ट लिखे, तो अगर अगर वो छूट भी जा रही तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा उस पर स्टक मत रहो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम इसमें ये हमने खत्म कर दिया एक्सरसाइज 5, अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 6 के तरफ, ठीक है, हमारी फाइनल एक्सरसाइज इस चैप्टर की, ओके। देख रहे हो कैसे आप लोग पीछे रह के भी एडवांस वाले में जा रहे हो, एडवांस वाले भी उनका बेसिक भी क्लियर हो रहा है, कितना बढ़िया तरह से चल रहा है, काश ऐसे कोई मुझे अगर शॉर्ट हैंड सिखाता ना, सही में मतलब बहुत अच्छा होता है। शॉर्ट हैंड आजकल मतलब इंस्टीट्यूट और ये सब के चक्कर में ना, इन लोग ने ऐसा कर दिया है कि मतलब बच्चों का एकदम मन ही शॉर्ट हैंड से हट जाता है, कि मतलब क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, और फिर एकदम मन हट जाता है, फिर ना वहाँ पे कोई ढंग से गाइडेंस मिलती है, ना कोई चीज़ बताई जाती है, बस हाँ करना है, शॉर्ट हैंड करना है, तो दैट इज़ वाई बड़ा ही तकलीफ वाला सिस्टम है आजकल हर जगह पे। सो उसी को ध्यान रखते हुए हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। आओ देखे जरा, तो फाइनली एक्सरसाइज 6, अब आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग का जो ये है क्या कहते हैं, जो आप लोग का कोर्स है पिटमैन फाउंडेशन वाला कोर्स, उसमें जो आपको कंटेंट मिला है, ठीक है, एक तो ये कंटेंट है और एक लाइव कंटेंट होता है, तो वो लाइव क्लासेस थोड़ी देर तक आपको थोड़ी देर में मिल जाती है, उसके बाद में ये मैं अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, लाइव क्लास डिलीट हो जाती है, क्योंकि यही सेम चीज यहाँ अपलोड कर दी है, तो कंटेंट में बढ़िया से ऐसे दिख जाता है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज दिखता रहता है, तो उस तरह से अभी अरेंजमेंट चालू हो चुकी है। आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कि आपको वीडियोज मिले हैं, देखो वीडियो वीडियो वीडियो, जैसे चैप्टर 3 का वीडियो है, ठीक है, तो ये पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, फिर यहाँ पे आपको चैप्टर का PDF मिल जाएगा, ठीक है, तो वो PDF मिल जाएगा, तो ये सब चीज आपको यहाँ से रेफर करनी है, और इसके अलावा भी आपको पूरा का पूरा पिटमैन की न्यू एरा वाली बुक मैंने अपलोड कर दी है आपके, इसमें जो आपका लेसन है उसमें न्यू एरा वाली बुक भी अपलोडेड है, प्लस उसकी आंसर की भी आपको अब दे दी गई है, ठीक है। कई लोगों को स्टार्टिंग में डाउट था कि सर अगर हम खुद कोई चीज लिखें तो हमें पता कैसे चले कि हम सही लिख रहे हैं या नहीं, मैच कर लो, सिंपल सी बात है, अगर बुक बोल रहा है कि पी ऐसे लिखना है और पे ऐसे लिखना है, और अगर आप पे को ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, ये आपने पी लिखा और ये आप ए लिख रहे हो, तो ये तो सीधी सी बात है गलत है, जो लिखा हुआ है ये लाइन पर बता रहा है, और आप इसको लाइन के ऊपर से लिख के बोलो ये पे हो गया, नहीं ये पे नहीं हो गया, ठीक है, ये पै हो गया, पी छोड़ो अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे फर्स्ट प्लेस में, ओके। चलिए अब शुरू हो जाइए एक्सरसाइज 6 में, क्या बताना है, एक मैं बता रहा हूं, एक लोग आप बताइए, ठीक है, एक मैं ना, एक मेरा, ये मैं हूं, ठीक है, ये देखो डांस कर रहा हूं मैं, और ये एक तुम हो, तुम्हारा, ठीक है, ये आप लोग के हाथ में पेंसिल आ गई, ठीक है, और ये एक के हाथ में नोटबुक आ गई, ये अपनी पेंसिल से इसकी नोटबुक में लिख रहा है, ठीक है, तो वो आप लोग मिल बांट के काम कर रहे हो, ठीक है, चलो आप लोग को आंखें भी दे दे, दोनों की आंखें आ गई, ठीक है, आप लोग का ये मुंह आ गया, हो आप लोग एकदम ऐसे हैरान हो, हो ये क्या सीख रहे हो हम लोग,
ये क्या हो रहा है, ये आप लोग का मुंह है और ये आप लोग की नाक गायब हो गई, क्योंकि मुंह इतना बड़ा खोले वो नाक गायब हो गई उसमें, ठीक है, मेरी नाक दिख रही है। चलो बताओ अब ये मैं कौन सा बताऊँ, मेरा कौन सा है इसमें से, मैं बताऊंगा मैं आप लोग को एट्थ वाला बताऊंगा। चलो एट्थ वन मेरा है, बाकी आप लोग बताओ आपको कौन सा करना है। चलो मैं एट्थ पर चालू कर रहा हूँ, बताना ठीक है। ठीक है चलिए अब मैं बता रहा हूं, ध्यान दो यहां पर। सबसे पहला शब्द क्या है, वी, हम, ठीक है। देन ये अगर शॉर्ट फॉर्म आ गया और इसके साथ में कुछ और जोड़ा है और उसको वॉवल नहीं डाला है, तो इतना हम समझ रहे हैं कि ये भी एक शॉर्ट फॉर्म ही है। ये कौन सा शॉर्ट फॉर्म है, अगर आप लोग गेस कर सकते हो तो बताइए। यहां पर मैं वी यहां लिख देता हूँ, ठीक है, वी, फिर गेस करने के लिए छोड़ दिया, फिर से ये भी गेस करने के लिए छोड़ दिया, और ये विल है, ठीक है, विल। अब ये क्या है, ये भी गेस करो, ये वाला क्या है, ठीक है, गेस करना है आपको। मैं ये बता रहा हूँ, ये है टू द, ठीक है, फिर ये श है और ये ओ है, तो श प्लस ओ बन जाएगा शो, ठीक है, शो। और अगेन ये वाला क्या है, ये फर्स्ट वाला है विच, ठीक है, ये विच लिखा है, ये आ गया विच, ठीक है। देन अगेन ल है, तो ल क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा विल, ठीक है, विच विल। और ये ब है तो ये बन गया बी, विच विल बी। अब यहाँ पे भी आएगा गिवन, ठीक है, विच विल बी गिवन, गिव नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस किस में चल रहा है, वी डैश, सेंटेंस का थर्ड फॉर्म में ही चल रहा है, ठीक है, मतलब विल बी गिवन, शो विल बी गिवन, शो को दिया जाएगा, है ना, शो विल बी गिवन, यस, विच विल बी गिवन, टू आ गया और ये डे आ गया। चलो जो डैश है फटाफट से इसको भर दो, ठीक है, यस, पहला वाला आपने गेस कर लिया, वी थिंक, परफेक्ट। किसी का कोई बोलना चाहता है कुछ, बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। ओके, तो वी थिंक, उसके बाद में क्या है, ओके परफेक्ट, दे, ठीक है, वी थिंक दे विल, दे विल, दे विल, दे विल, दे विल, दे विल, वी थिंक दे विल वॉट। हाँ अगर नहीं भी पता है तो ये तो पता है कि वी थिंक दे विल गो थोड़ी आएगा, वी विल, दे विल कम, ठीक है, यस वेरी गुड, दे विल कम टू दी शो विच विल बी गिवन टूडे, परफेक्ट। एट वाला हो गया, अब तुम्हारा बताओ भाई, तुम्हारा क्या है, ये जो पेन है इस पेन से यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिखना है आपको बुक पे, ठीक है, तो बताओ, आई मीन पेंसिल है ये, सॉरी इसके पेन नहीं है, पेंसिल है ये, ठीक है, यहाँ पेंसिल लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, पेंसिल लीजिए, ओके चलो बताओ फटाफट से बताओ, एंड वी विल बी वाइंडिंग अप आवर टुडेज सेशन। ऑल राइट, बहुत ही सक्सेसफुल चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर थ्री, ठीक है, कब हमने स्टार्ट किया, अप्रोक्सीमेटली हमें कितना टाइम हो गया, आज की तारीख है 28, 8 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 8 डेज हमने चैप्टर थ्री तक खत्म कर दिया। देख रहे हो स्पीड, देख रहे हो क्या स्पीड है, ये स्पीड से आप लोग, अब प्रैक्टिस आप लोग को करनी है, ठीक है, आप लोग ने बताया नहीं कि कल का जो मैंने होमवर्क दिया था वो कितना परसेंट आपने किया है, ठीक है, दिल पे हाथ रख के सही से बताओ कि कितना आपने प्रैक्टिस किया है आज के जो मैंने कल दिया था उसका भी, अगर बढ़िया भाई 50-60% 70% तक प्रैक्टिस कर रहे हो तो बढ़िया चल रहे हो। एक्सरसाइज 6 भी आपको आज करनी है प्रैक्टिस अच्छे से, ठीक है, तो कल एक काम करेंगे, कल का दिन मैं आप लोगों को चैप्टर नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, कल का दिन मैं आप लोगों को मैं आप लोग को बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, वो तो कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोग को मतलब एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि
मैं नहीं चाहता कि आप लोग को, मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास आ जाओ, एटलीस्ट 80-90% तक खत्म कर दो, ठीक है। 8 दिन में 3 चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा स्पीड है, बहुत ही बढ़िया तरह से करें। बाकी बच्चे ब्लूप्रिंट वाले आप लोग जानते हो, आप लोग 1 हफ्ते में 1 चैप्टर किया करते थे पहले, अभी तो हालांकि आप लोग थोड़ा ज्यादा ही इससे जा रहे हो, थोड़ा ज्यादा ही फास्ट आप लोग को ले ले जा रहे हैं हम लोग, बट ठीक है। आप लोग को पता है कि ये कितनी स्पीड यहाँ पर चल रही है और किस तरह से ये लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग का मुझे सेंटेंस नहीं आया अभी तक, 6th एक्सरसाइज में बताइए, 8वां सेंटेंस मैंने करवा दिया है। अब आप लोग कोई भी बताइए, 1 से लेके 7 तक, ठीक है, 1 से लेके 7 नहीं, 1 से लेके 6 तक ही, 7th वाला आपको करना ही, खुद ही करना है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जब मैं इन एक्सरसाइज पर था तब ये सब कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता था, प्रैक्टिस के साथ अब ये सब बहुत ईजी हो गया, अभी भी ये सब इन लोगों को कॉम्प्लिकेटेड और टफ। यस, बिल्कुल सही कहा, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बड़ा सिंपल है, जैसे आगे बढ़ते हो बढ़ोगे ना समझ में आएगा यार ये तो कुछ नहीं था। सेम, एकदम सही कहा नवनीत ने, ठीक है। मिशन 6 पर कब तक आ जाओगे आप लोग, मिशन 6 पर? अरे यहाँ पे इस क्लास की स्पीड पे मत चलो, ठीक है, इस क्लास की स्पीड पे चलोगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्लास सभी SSC स्टैंडर्ड 2023 वाले के लिए नहीं है, ये लोग 2024 वाले के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप इनकी स्पीड पे आओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आप अपनी स्पीड पे चलते रहो, आपका जो डाउट आता जाएगा यहाँ पूछते जाओ, आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट का वीडियो मिला हुआ है, ठीक है। अब क्या अंशिका क्या बोल रहे हैं, सर चैप्टर 1 एंड 3 इज ईजी लग रहा था, बट चैप्टर 2 थोड़ा सा टफ कंफ्यूजिंग है। 2 में कुछ भी कंफ्यूजिंग जैसा नहीं है, 2 में क्या है देखो एक बार देख, चलो इसको हम तो आपके डाउट को कल लेंगे, ठीक है, कल जब हम थोड़ा सा रिविजन वगैरह करेंगे, थोड़ी सी चीजें ध्यान देंगे कैसे क्या है, तो वहां से हम लोग एक बार आप लोग सब लोग डाउट लेके आना, ठीक है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक का, ठीक है। कल एक ऐसा वाला सेशन होगा, डाउट सॉल्विंग सेशन समझ लो, बढ़िया से सब कुछ, कुछ भी डाउट लेके आना, एकदम बच्चे वाला डाउट भी चाहिए मुझे, ऐसा हाई लेवल का डाउट मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करूँ, मुझे चाहिए नहीं, मुझे एकदम एकदम मतलब ऐसे एकदम से बच्चे हंसी वहां हंसी आ जाए वैसे डाउट चाहिए मुझे। लेके आना डाउट, जो भी हो डाउट अच्छे से पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से हर चीज आपको समझाई जाएगी, एंड देन उसके बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। चलो आप लोग, अभी भी नहीं आया सेंटेंस, देखो यार ये दोनों लोग कितना उदास हो गया, अब ये लोग के आंखों से आंसू निकल आएंगे, आंसू, चलो ये ब्लू ब्लू आंसू निकाल देते हैं, ठीक है। ये देखो ये इनके आंसू निकल रहे हैं, 1 मिनट, ये देखो ये आंसू आ रहे हैं, अरे बता ही नहीं रहे आप लोग, ठीक है। मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं ऐसे ही स्माइल करके खड़ा हूँ यहाँ पर। जल्दी बताओ कौन सा सेंटेंस लूँ मैं इसमें से, 1 से लेके 6 तक, अरे कोई भी रैंडम नंबर बता दो, अगर नहीं इतना आपको ये लग रहा है कि क्या बताएं क्या बताएं, रैंडम नंबर बता दो। नेट स्टक हो गया क्या कहीं पर? नहीं ना, तो चलो मैं ये बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम दे दिया आप लोग को मैंने, आप लोग पता नहीं कहाँ सेंटेंस। हाँ चलो, नवनीत ने बोला नवनीत का ले लेगा, आप लोग ने नहीं बोला, मैं 4th ले रहा हूँ, ठीक है, 4 फेवरेट नंबर है तो इनका हम 4 ही लेंगे अब। चलो 4th 1 क्या है, 4th 1 बढ़िया बात है, अच्छा अच्छा ही है, ठीक है। ठीक है देखो, सबसे पहले ये क्या है, इसको सिम तोड़ लो, जो नहीं समझना उसको तोड़ लो, ये क्या है, ये सिंपल हमने पढ़ा था, ये है हु, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हु, फिर ये क है और ये ए है और म है, तो ये क्या बन गया, हु केम, ठीक है। देख लो है ये शॉर्ट फॉर्म, लेकिन शॉर्ट फॉर्म के साथ में जोड़ा क्या है इन्होंने, शॉर्ट फॉर्म मतलब पूरा एक नॉर्मल वर्ड जोड़ दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट फॉर्म के साथ सब जुड़ जाते हैं, शॉर्ट फॉर्म बड़ा ही मतलब एकदम ऐसे दिल का खुला वाला इंसान है कि सब लोग उससे जुड़ जाते हैं, इसलिए आपको बोला था स्टार्टिंग में के क्या हो रहा है इसको, मेरे इसको इरेजर, हाँ आ गए इरेजर, हु केम, फिर से ये क्या है, अब तो ये आप लोग को पता चल गया होगा कि ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, बार 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 क्या आ रहा है, ये है 2, ठीक है। अब ये 2 के आगे वाला मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग को गैस करना है, ये एंड में बता दे रहा हूँ कि जो छोटा सा टिक मार्क है, ये टिक मार्क है द, ठीक है, अभी आप लोग को बताना कि ये क्या लिखा है, फिर अगेन मैं आगे बढ़ता हूँ, ये ल है, प्लस ल के साथ में क्या है, ओ है, और ये क्या है, ड है, ठीक है, तो लॉर्ड तो कुछ नहीं होता, तो ये लोड हो जाएगा, LOAD लोड, हु केम टू डैश द लोड टू द, अब देखो वर्ड को कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये क्या है, ड है, डी ई है, और प के साथ में ओ है, तो डी पो
डेपो नहीं होता, डेपोट बोलते हैं, डेपोट रहता है लेकिन उसको डेपो बोला जाता है। हु केम टू डैश द लोड टू दी डेपो, ठीक है, जो डैश दिया है उसको भरने का काम फटाफट से सभी लोगों को करना है, ठीक है, और ये एंड में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए इसको भर दीजिए और हम करते हैं आज की क्लास का विराम, फुल स्टॉप। क्या लिखा है, कोई भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिखा है। तोड़ना, तोड़ना आप लोग जानते हो, तोड़ के कैसे सीखते हैं, कैसे उसको रीड किया जाता है। ट लिखा है प्लस ए लिखा है, हाँ वेरी गुड। टेक, हु केम टू टेक द लोड टू दी डेपो, ठीक है, कौन आया था, पता नहीं कौन आया था, कोई तो आया था, लेकिन जो भी आया था उसने सारा का सारा लोड लेकर चला गया डेपो पे। ओके चलिए, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर थ्री चैप्टर्स, फोर्थ चैप्टर की तरफ ज्यादा देखना नहीं है, ज्यादा जाना नहीं है आपको, तीन जो चैप्टर्स हैं इसी का आपको सभी डाउट्स वाउट्स लेके आने हैं। चलो आप लोग की आंखों से आंसू मिटा देते हैं अब, वरना फिर क्लास में आप लोग बोलोगे कि रुलाते रुलाते गए हैं, लो आप लोग का चेहरा ही मिट गया, आंसू के आंसू मिटाने के पूरा चेहरा मिट गया। चलो एक नया चेहरा बनाते हैं। ये आप लोग का चेहरा आ गया, ये आप लोग खुश हो गए, ठीक है, क्लास के बाद में। ओके चलो, नाउ दिस वॉज द क्लास फॉर टुडे, ठीक है। आई होप वी विल बी अगेन मीटिंग अगेन टुमारो एट द सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। सभी लोग आइएगा, जितने भी स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हैं, मैं इससे ज़्यादा ही अटेंडेंस चाहता हूँ कि कल के क्लास में हो, ताकि सब लोग को सब चीज़ समझ में आए, सब लोग पढ़ते चले एंड साथ में हम लोग शॉर्ट हैंड खत्म करते चले, ठीक है। चलिए दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे एवरी वन एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस में कमी मत लेकर आना, मेरे साथ साथ चलना, मेरे साथ चलोगे तभी मज़ा आएगा, वरना ये मत सोचना कि सर हम पीछे हो जाएंगे तो सर भी रुक जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब मैं भाग जाऊंगा, तो आप लोग को मुझे पकड़ के रखना है, ठीक है, पकड़ते रहना, बार 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 कोशिश करनी है साथ में रहने की। ओके चलिए, बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे, टेक केयर।